न बैरिकेडिंग न मार्किंग पॉइंट। हाथरस कांड का जिम्मेदार कौन? लापरवाहियों की है लंबी लिस्ट। हाथरस कांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे ने प्रशासन से लेकर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों को गहराई से सोचने पर एक बार फिर मजबूर कर दिया है। मंगलवार को हाथरस से तस्वीरें जो सामने आई हैं, देखकर हर किसी का दिल दहल गया। भक्तों की श्रद्धा पल भर में उनकी जान की दुश्मन बन बैठी। भगदड़ में जो गिरा उठ ही नहीं पाया, उठा तो उसका शव। हादसे के बाद यूपी सरकार ने कहा है कि वह इस बात की जांच कराएगी कि यह हादसा है या फिर कोई साजिश। लेकिन ऐसा क्या रहा कि इतना गंभीर हादसा हो गया? आखिर ऐसी क्या वजहें रहीं? हाथरस हादसे में करीब 121 लोगों की जान जाने के बाद अब दुर्घटना के पीछे की वजहें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाता तो हादसे को टाला भी जा सकता था। दरअसल हादसे को लेकर मुख्य वजह जो कही जा रही है वो है बदइंतजामी। सत्संग वाले भोले बाबा हादसे के बाद से ही फरार हैं। बताया जा रहा है कि आयोजनकर्ताओं ने 80,000 की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी। आयोजनकर्ता को तय मानकों के मुताबिक बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी जो सत्संग के दौरान नहीं की गईं। हादसे को लेकर जो वजह सामने आई हैं उनमें पहले एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया। मार्किंग करके पॉइंट्स बनाए जाते हैं लेकिन कहीं मार्किंग नज़र ही नहीं आई। 80,000 लोगों के हिसाब से मेडिकल टीम नहीं थी। मेडिकल टीम थी भी या नहीं यह भी एक जांच का विषय है। किसी अनहोनी को देखते हुए इमरजेंसी रास्ता नहीं बनाया गया। कार्यक्रम में भक्तों की भारी भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे आदि की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। भीड़ के हिसाब से वॉलंटियर कम थे। प्रशासन की तरफ से फोर्स भी ना के बराबर लगाई गई। जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा उस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनाने थे लेकिन नहीं बनाए गए। बस छोटा सा कच्चा रास्ता बनाया गया था। अनुमति लेने और देने दोनों में बड़े स्तर की लापरवाही भी की गई है। बता दें कि बाबा अपनी सुरक्षा के लिए सेवादारों की फौज रखते हैं जिसे नारायणी सेना कहा जाता है। बाबा सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड साथ रखते हैं। नारायणी सेना आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक बाबा की सेवा करती है। भोले बाबा अपने सेवादारों को ही अपनी सुरक्षा में रखते हैं। सेवादार एक तरह से ड्रेस कोड भी पहनते हैं। बाबा के कार्यक्रमों की सभी व्यवस्थाएं सेवादारों के ही हाथों में रहती हैं। बताया जा रहा है कि कुछ शिष्य पुलिस से भी हैं। प्रवचन स्थल तक बाबा के लिए अलग से एक रास्ता भी बनाया गया था। इस मार्ग पर बाबा का काफिला ही निकलता था। इसके अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। बहरहाल हादसे के बाद से बाबा फरार चल रहे हैं और उनकी ओर से मामले पर कोई अभी तक बयान भी सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस ने मामले को लेकर केस दर्ज जरूर कर लिया है। देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।